आज हम बनाने वाले हैं काठी रोल, और हम नहीं बनाने वाले हैं, बनाने वाली है ये हमारी छोटी सी प्रिंसेस पीयूषा। और उसने देखिए ये सारी तैयारियां खुद से की है, उसने ये वेजिटेबल्स अपने हाथों से काटे हैं, और अभी उसने कढ़ाई चढ़ाई हुई है गर्म करने के लिए, उसमें डाला है ऑयल। और यहाँ सारी सब्जियां रेडी है, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, प्याज, हरे मटर, और ये है पनीर के क्यूब्स जो उसने छोटे छोटे काटे हुए हैं। तो आज हम हेल्दी वाला काठी रोल खाने वाले हैं, इसलिए डो भी उसने अपने हाथों से रेडी किया है, और ये है गेहूं के आटे का डो। और अभी ये हम तेल में डालेंगे जीरा और सरसों, और ये बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन, तो अब मैं डाल रही हूँ मटर, तो मैं अच्छे से छोड़ूंगी। इसे मिक्स करेंगे ना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, इसको मैं मिक्स कर, टाइम में मैं ऐड कर दूंगी हल्दी, और ये है गरम मसाला, और मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च। तो हम लोग का आलू अच्छे से पक गया, मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और इसके बाद हम सारी सब्जियों को ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो ये टमाटर पक चुका है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं सबको मिक्स कर दूंगी। तो काठी रोल के लिए मेरा मसाला रेडी हो गया है, अब मैं बनाऊंगी रोल। और लास्ट में मैं डालूंगी पनीर, को मिक्स कर दूंगी। और ये मसाला रेडी है, मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और यहाँ नानू बना रही है गेहूं आटे की रोटी, जो पतली पतली हम बेलेंगे पहले। और ये देखिए इतनी छोटी सी बच्ची कितनी मस्त गोल गोल रोटियां बना रही है, ये देख के ही बहुत प्राउड फील होता है। तो ये हम लोग का रोटी एकदम अच्छे से सिक गया है, हम लोग इसको उतार लेंगे। ये तो इसमें है अदरक, लहसुन, धनिया और पुदीना, पुदीना हमने ज्यादा क्वांटिटी में डाला है। और अब मैं इसमें डालूंगी हम लोग का फिलिंग। तो ये जो फिलिंग है ये हमें इसमें ऐड करनी है इस तरीके से।
इसको रोल कर लेंगे। इसको हम लोग तावा में थोड़ा सा सेक लेंगे। बन गया हम लोग का काठी रोल और मैं इसको तवे में थोड़ा सा सेक रही हूँ और अब हम लोग इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और हम लोग इसको अब सर्व करेंगे नाना को। कैसा लगा नाना बताओ? तो नाना ने बिल्कुल भैया जैसा एक्सप्रेशन दिया है। भैया मतलब शिबू का भैया शिवांश। कैसा लगा? तो ये काठी रोल तो बहुत ही टेस्टी बना है। जब पूरा बन जाएगा हम आप सभी को वो भी दिखाएंगे यहाँ पर जा रहे एकदम। और यहाँ हम सभी एंजॉय करने वाले हैं ये समोसे। और ये देखिए यहाँ पीयूषा के सारे काठी रोल बनकर रेडी हैं और वाकई में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। हमने टेस्ट करके देखे हैं एक एक और बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे वो करके दिखा रही हूँ और ये रही इसकी फिलिंग। और ये देखिए कितनी अच्छी फिलिंग आई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में तो और ज्यादा टेस्टी है। रघुनंदनंद कंदे को चंद्र दशर नैनो धनु रहता है।